सभी दल के लोग थोड़े राजी हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि बिहार में अब NRC किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। ये उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, हम लोग ठीक से समझ रहे हैं। मतलब डाउट अभी भी है, रोज कन्फ्यूजन है उनके दल में, कहीं कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कहीं एक मत है क्या। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब एश्योर कर दिया तो क्या नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जब एश्योर कर रहे हैं कि बिहार में नहीं लागू होगा तो इसका मतलब अब विपक्ष को, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये कहा कि नहीं लागू। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। नहीं ठीक है, ये ठीक है, आवश्यक। इस तरीके से लगातार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार भले ही कह रहे हो कि NRC लागू नहीं होगा, लेकिन उन्हीं केंद्र में NDA की सरकार है और NDA की गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी कीमत पर लागू करेंगे, तो एक कन्फ्लिक्ट है। और इस कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, जनता दल यू के पहले से प्रस्ताव रहे हैं, तो इसलिए उन चीज़ों पर कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। अगर किसी को है तो वो जाने। जो मांगे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है वो मांग आज का देश का वही माकूल मांग है और उसमें हम लोग सब समर्थन कर रहे हैं। जातीय जनगणना भी इस देश में होनी चाहिए, उसका समर्थन करते हैं। NRC के बारे में जो भ्रमा BJP के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, इसको साफ करने की ज़रूरत है। और हम लोग किसी भी हद तक NRC का विरोध करेंगे और इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा, चाहे जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, इसका विरोध करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने तो क्लियर कह दिया कि अब NRC लागू नहीं होगा बिहार में। जैसे नीतीश, ये तो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लागू नहीं होगा आगे, और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि NRC लागू होगा, किस बात को माने हम लोग। के बाद फिलहाल NRC पर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं क्या कहेंगे? देखिए, NRC जो मुद्दा है, अभी CAA के बाद फिर उस पर विचार किया जाएगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के माननीय गृह मंत्री जी, फिर विचारों उपरांत NRC पर किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने क्लियर कह दिया कि NRC बिहार में लागू नहीं होगा, आप लोग NRC के पक्षधर में हैं। नहीं तो हम लोग तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हैं, वो जो करेंगे वही हम लोग करने वाले हैं। जी, आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, खास करके सीमांचल में कई आंदोलन किया, क्या लगता है आपको कि NRC की जरूरत भारत को है? जहां तक सीमांचल का सवाल है तो सीमांचल एरिया में तो बांग्लादेशी घुसपैठ है ही, विदेशी घुसपैठ है ही। इस विषय पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का और बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ जो विचारों उपरांत जो बात आएगी, निर्णय आएगा, उस निर्णय के अनुकूल हम लोग काम करने वाले हैं। आपकी क्या राय है, NRC जरूरत है उसे? हमारी राय भारत के प्रधानमंत्री के राय से मिलता जुलता। मुख्यमंत्री